दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में आधार कार्ड डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे दोस्तों आधार कार्ड हम सभी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे में दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है, आपका आधार नंबर सिर्फ बचा हुआ है, या फिर दोस्तों किसी भी कारण से आपका आधार कार्ड नष्ट हो चुका है और आप चाहते हैं कि एक नया आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आप दोस्तों बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे और आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, आप सभी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, किसी भी समय आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा और सर्च बार में टाइप कीजिएगा UIDAI और उसके बाद सर्च कर दीजिएगा। फर्स्ट में ही आपको वेबसाइट मिलेगा UIDAI.gov.in, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज टू एंटर द वेबसाइट। आप कोई भी भाषा यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैं यहाँ पे इंग्लिश को चूज़ कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉपअप आया हुआ है, तो इस पॉपअप को यहाँ से आपको सिंपली क्लोज कर देना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट आधार लिखा हुआ है, इसमें आपको एक डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेलकम टू माई आधार। अभी देख सकते हैं एक लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लॉगिन करके डाउनलोड करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन करके नहीं डाउनलोड करेंगे तो नीचे आपको एक डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से आधार नंबर है तो लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आप इनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड करना चाहते हैं या अपडेट रिक्वेस्ट नंबर से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उससे आप यहां से कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार नंबर है, सिंपली हम यहां लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपको आधार नंबर इंटर करने के लिए कहा जाएगा, और ये जो कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ इंटर करके लॉग विथ OTP पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर कैप्चा कोड इंटर कर लिया है और ये मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ये ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है। उसके बाद लॉगिन विथ OTP पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बता रहा है कि सक्सेसफुली जनरेटेड वन टाइम पासवर्ड, यानी OTP हमारा रजिस्टर्ड नंबर पर भेज दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर OTP इंटर करना है और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं कि OTP आया है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं OTP आ गया है, चलिए OTP इंटर कर लेते हैं 6147-06। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 6147-06 इंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड का डिटेल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फ्लिप आधार कार्ड पे क्लिक करके आप बैक साइड आधार कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में सारा डिटेल सही है तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड आधार लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं आपका वो सारा डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा जो कि मैंने ब्लर करके रखा है, और नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड PDF में डाउनलोड हो जाता है। अब आप PDF को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए मुझे पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड में क्या दीजिएगा, आपका आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है, नाम का पहला चार अक्षर और आपका जन्म का जो वर्ष है वो आपको एंटर करना है, आपका आधार कार्ड खुल जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड में मान लीजिए फर्स्ट नेम आपका तीन अक्षर का है, एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए RAM राम लिखा हुआ है, तो राम कुमार अगर लिखा हुआ है तो राम का तीन अक्षर और कुमार का पहला अक्षर, टोटल चार अक्षर लिखना है, और जन्म का वर्ष जो भी है वो इंटर करिए, खुल जाएगा। चलिए मेरे केस में यहाँ पे जो भी नाम है वो मैं इंटर कर लेता हूँ, पहला चार अक्षर और डेट ऑफ बर्थ का जो जन्म का वर्ष है वो मैंने लिखा, और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं आधार PDF खुल चुका है
और इस आधार को हम बहुत ही आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया है कि 2024 में आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है, साथ ही आधार कार्ड का पासवर्ड क्या है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाली हर एक अपडेट आपको वहीं पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।